एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीबीएस पाथवे बाय साक्षी। एंड हेयर आई एम साक्षी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग सेफ भी होंगे। और आज मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों से कुछ बात करने वाली हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाली हूँ, जैसे कि इसकी एक्सटेंशन क्या है, यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं, ये सारी बातें। तो आज बात करते हैं सबसे पहले हमारी यूनिवर्सिटी की एक्सटेंशन के बारे में। तो हमारी यूनिवर्सिटी जो है उसके मेन कैंपस में हमारी दो बिल्डिंग है, एक केमिस्ट्री बिल्डिंग है और एक मेन बिल्डिंग है जहाँ पे हमारे क्लासेस चलती है। और हमारे कैंपस के अलावा इसका एक और ब्रांच है, उसका नाम हम उसे पाथवॉक बोलते हैं हम उसे। तो वहाँ पर हमारे माइनर सब्जेक्ट्स की क्लासेस होती हैं। और अगर एक्सटेंशन के बाद हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स की, तो हमारे यूनिवर्सिटी के बैक साइड हमारे यूनिवर्सिटी का एक हॉस्पिटल है और हमारी यूनिवर्सिटी की 4-5 और हॉस्पिटल भी है जो कि यहाँ से थोड़े डिस्टेंस पे है। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो कितने पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो 1200 प्लस इंडियन स्टूडेंट यहाँ पे अभी स्टडी कर रहे हैं। और यहाँ इंडिया के बहुत सारे स्टेट से यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड फिर साउथ की तरफ से भी तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सब सारे स्टेट से इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ स्टडी कर रहे हैं अभी। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो भी हॉस्टल्स हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे स्पेशली इंडियन स्टूडेंट या फिर जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ स्पेशल हॉस्टल है, जैसे कि हॉस्टल नंबर 4, हॉस्टल नंबर 5 और हॉस्टल नंबर 6। इन तीन हॉस्टल्स में मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही रहते हैं और यहाँ के जो यूक्रेनियन स्टूडेंट्स हैं, लोकल स्टूडेंट्स, उनके लिए अलग हॉस्टल्स प्रोवाइड किया जाता है जो कि हॉस्टल नंबर 2, हॉस्टल नंबर 3 ये है। और उसके बाद फिर बात करते हैं यहाँ पे इंडियन फूड की अवेलेबिलिटी की। तो यहाँ पे इंडियन मेस और इंडियन रेस्टोरेंट दोनों अवेलेबल है। इंडियन फूड के बाद बात करते हैं कि यहाँ की जो भी एग्ज़ाम होती है वो कैसे होती है। तो यहाँ पे दो मेन एग्ज़ाम होती है, एक क्रॉक 1 और एक क्रॉक 2। क्रॉक 1 जो है वो 3rd ईयर के बाद होती है और क्रॉक 2 जो है वो 6th ईयर के बाद देना होता है। तो अगर एग्ज़ाम के परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे अदर यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में क्रॉक का रिजल्ट जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। जो भी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे यूक्रेन में उसके कंपैरिजन उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद जो क्रॉक 1 और क्रॉक 2 दोनों के रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ से जो भी इंडियन स्टूडेंट इंडिया जाते हैं MCI एग्ज़ाम की। तो MCI एग्ज़ाम की बात करें तो जो इंडियन स्टूडेंट्स हमारे जो भी सीनियर्स यहाँ से पास आउट हो चुके हैं उनका रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ने MCI एग्ज़ाम क्लियर किया है और वो इंडिया में अभी एक डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर है। और ये था हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में और जो भी यहाँ के एग्ज़ाम थे या जो भी एक्सटेंशन हमारी यूनिवर्सिटी का था उन सब के बारे में। आज मैंने अपने वीडियो में आप लोगों से विनीसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।